गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। दोस्तों, जैसा कि जमाई राजा की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसमें अचिंत कौर और निया शर्मा की मस्ती देखने को खूब मिल रही है। इन दोनों की बॉन्डिंग की बात करें तो अचिंत कौर और निया शर्मा काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों की, और काफ़ी एक दूसरे के साथ में टाइम भी व्यतीत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कि जमाई राजा, आपने सीरियल 1 देखा होगा तो जमाई राजा 1 में इन्होंने अचिंत कौर और निया शर्मा ने एक दूसरे का बहुत ही अच्छा तरीका से ख्याल रखा, क्योंकि जमाई राजा 1 में उन्होंने माँ का रोल किया था अचिंत कौर ने, और निया शर्मा ने उनकी बेटी का किरदार निभाया था। किरदार पर्दे पे इतना सुपरहिट हुआ था कि इनको दोबारा से फिर मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि इनको लेके फिर से दोबारा से जमाई राजा 2 बनाया जाए, और उसी की बात से अब जमाई राजा 2 की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये शो आपको अगले महीने देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी टीम इस टाइम शूटिंग मतलब करने में बिजी है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जमाई राजा 2 में रवि दुबे और निया शर्मा की केमिस्ट्री अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें लड़ाई नॉक झोंक से भी अच्छे थे कौर और रवि दुबे और निया शर्मा की खट्टी मीठी नॉक झोंक भी आप सभी को देखने को मिल चुकी है पहले भी, क्योंकि जमाई राजा में आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी नॉक झोंक भी देखने को मिली थी, प्यार भी देखने को मिला था। अब सो सेम ही होने वाला सेक्टर मतलब दूसरा सीरियल में आने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 तो आपने देख लिया था। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अचिंत कौर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और निया शर्मा के साथ में उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। इधर बात करें रवि दुबे की तो रवि दुबे भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनकी निया शर्मा के साथ में बहुत अच्छी बनती है। हालांकि पूरी टीम ही इनके साथ में बहुत अच्छी बनती है। पूरी टीम की बात करें तो आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले आपने जितने भी किरदार देखे थे वो आप ही को सब शो वापसी आने वाले हैं, और सभी किरदार को आपसे रूबरू जल्दी ही कराया जाएगा। G5 में ये शो जैसे ही स्टार्ट होगा आप सभी को अनाउंसमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही है कि निया शर्मा की वापसी हो चुकी है, अचिंत कौर की वापसी हो चुकी है, रवि दुबे की वापसी हो चुकी है, मतलब सभी से कलाकारों की इस शो में वापसी हो चुकी है दोबारा से। और जमाई राजा 2 आपके सामने, जैसे आपने पहले देखा होगा कि पूरा एक्शन, पूरा ड्रामा, भरपूर लव एंगल, भरपूर इमोशनल से भरा ही ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। बस आपकी निगाहें इस शो पर बनी रहनी चाहिए। अरे हाँ, मैं ये तो बताना भूल गया, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। पूरा वीडियो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इधर फिर बात करते हैं निया शर्मा और रवि दुबे की, तो इनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, जैसे अचिंत कौर की पसंद आ रही है, जैसे रवि दुबे भी बहुत अच्छी इनकी केमिस्ट्री पसंद आ रही है। क्योंकि रवि दुबे की बात करें तो इनकी शादी सरगुन मेहता से हुई थी, और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं, गजब के एक्टिंग करते हैं, टीवी के जगत के सबसे अच्छे एक्टर में से गिने जाते हैं। क्योंकि रवि दुबे की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बहुत ही अच्छे एक्टर, निया शर्मा की बात करें तो निया शर्मा भी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इसमें मरजामा में भी इन्होंने अच्छा रोल किया था। निया शर्मा की बात करें तो निया शर्मा बहुत अच्छी है, और इनका जो माँ का रोल कर रही है जमाई राजा में, जो कि अच्छी थी, और वो भी बेचारी बहुत ही अच्छी एक्टर नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीका से एक्टिंग करती हैं। तो सभी की किरदार सभी के बढ़िया हैं इस शो के लिए। जैसा कि आप सभी को मैं बता देता हूँ, अब सबसे पहले मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपने जमाई राजा 1 देखा था, उसमें जिस तरीका से आपने नोक झोंक देखी थी और लड़ाई भी देखी थी, इमोशनल भी देखा था, प्यार भी देखा था, रोमांस भी देखा था, सभी मतलब सभी चीज़ देखा था, सो उससे भी अब कई गुना आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जमाई राजा 2 में हर शख्स की एंट्री हो चुकी है, और सीरियल की शूटिंग इस टाइम मुंबई में चल रही है, और आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ जानकर आपको खुशी होगी कि शूटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, और ये शो आपके सामने जल्दी ही एयर ऑन कर दिया जाएगा। से एयर ऑन हो जाएगा आपके सामने ये सीरियल, दोबारा से आप अपने फेवरेट सीरियल को देख पाएंगे। बस आपसे यही बातें कि जैसा ये सीरियल वापसी आएगा हम आपको बता देंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मेरी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे खुशी तब मिलती है जब आप वीडियो लाइक कर देते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपने देख लिया और आपको थोड़ी भी पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। लाइक के बगैर चले मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए फिर दूसरी वीडियो लाऊंगा। और जमाई राजा 2 की अगर कोई भी आपको बात पूछनी है, कुछ भी है, तो आप मेरे से डायरेक्टली आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैंने ये जानकारी दी, और आपको कैसे लगी तो और बताइए। इसके अलावा आपको कौन सा सीरियल पसंद हो वो ज़रूर बताइए। आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद।